प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की डिजिटल डायरी ऐप तथा डाक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि डाक विभाग द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष आवरण जारी किया गया है, जो 10 रुपए का स्पेशल टिकट है। गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक सूचना डायरी एक पुस्तक के रूप में होती थी, जिसमें बहुत ज्यादा कागज खर्च होता था और व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता था। इसलिए इस डिजिटल युग में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की डायरी को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए सूचना डायरी डिजिटल ऐप का लॉन्च किया गया है। सूचना डायरी के डिजिटल फॉर्म में आ जाने पर कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन पर इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। सूचना विभाग का यह ऐप बहुत ही सहूलियत वाला और दूरदर्शी ऐप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश 10 माह से कोरोना काल से जूझ रहा था। 135 करोड़ लोगों की चुनौती सामने थी। उन चुनौतियों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान था। देश के हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ तकनीक के मदद से दिलाया गया। प्रदेश के 2,35,00,000 लोगों को हर माह सहायता उपलब्ध कराई गई। पेंशन, छात्रवृत्ति आदि भी प्रदान की गई। 54,00,000 प्रवासी मजदूरों को मानदेय दिया गया। तकनीक हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। हर आम आदमी सूचना विभाग की डायरी का लाभ ले सकता है। तकनीक को हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री मृत्युंजय कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। आज जो है दो कार्यक्रम है। संक्रमण के मद्देनजर ये निर्णय हुआ कि इस बार डिजिटल डायरी उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की होनी चाहिए। सरकार की अधिकारियों के बारे में, सरकार के जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, मंत्रिमंडल है, इन सब के बारे में जानकारियों के लिए उत्सुकता हर नागरिक में रहती है। और तकनीक के इस युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में डिजिटल डायरी सबके लिए सुलभ हो सकती है। मुझे याद है जब भी सूचना विभाग की डायरी निकला करती थी, उसके लिए इतनी मारदार हुआ करती थी कि सिर्फ उसको नहीं मिली, इसको नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये डायरी हर व्यक्ति को घर बैठे हुए सुलभ होगी। क्योंकि मानो इसको, ये न केवल हम इसको डिजिटल डायरी बना रहे हैं, बल्कि आपके जैसे निर्देश थे, इसको हम फोन में ऐप के रूप में भी बना दे रहे हैं। तो कोई भी, और निःशुल्क ऐप, कोई भी नागरिक, कोई भी सज्जन कभी भी इसको, ऐप को डाउनलोड करके इसका, इसके माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठी कर सकता है। ये पहली बार पूरे देश में इस प्रकार का प्रयास है। भारत सरकार की भी जो डायरी है वो ऐप के रूप में नहीं है, वो केवल डिजिटल डायरी के रूप में है। माने दूसरा जो आज कार्यक्रम है वो डाक विभाग भारत सरकार द्वारा एक विशेष आवरण, खिचड़ी मेला और गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के बारे में आज लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा पोस्ट मास्टर जनरल आकाशदीप जी से जरा थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी उसकी जानकारी दें और सभी सज्जनों का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महाराज महंत योगी आदित्यनाथ जी, मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल जी, इंफॉर्मेशन एडवाइज़र श्री मृत्युंजय कुमार जी, वरिष्ठ अधिकारीगण उत्तर प्रदेश शासन, मेरे विभाग के उच्च अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित साथियों और लाइव जुड़ने वाले दर्शकगण, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति परंपरा में मकर संक्रांति महापर्व के रूप में स्वीकृत है। भगवान भास्कर की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस तिथि को ही मकर संक्रांति कहा जाता है और उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में महायोगी गोरखनाथ और उनके द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ के अनुयायी
महायोगी को खिचड़ी चढ़ाते हैं। महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाए जाने के कारण मकर संक्रांति पर्व को उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के रूप से भी प्रसिद्धि मिली और यह महापर्व खिचड़ी के नाम पर लोक विख्यात हुआ। महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ पंथ के योगियों ने अपना साधना में अपने साधना में भोजन के प्रसाद के रूप में दिया। नाथ परंपरा में माना जाता है कि चावल दाल सब्जी सभी को एक साथ पकाकर भोज्य पदार्थ तैयार करने की विधि महायोगी गोरखनाथ की ही सोच थी। नाथपंथी योगियों की यह प्रिय प्रसाद है। महायोगी गोरखनाथ की खिचड़ी के संबंध में एक प्रसिद्ध जनश्रुति है कि शिव का महायोगी गोरखनाथ भ्रमण करते हुए एक बार हिमाचल प्रदेश में स्थित भगवती ज्वाला देवी के स्थान पर पहुँचे। देवी ने उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। बलि प्रथा के कारण देवी स्थान पर गुरु श्री गोरखनाथ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने भगवती देवी से कहा कि आप जल गर्म करें, मैं भिक्षाटन में अपना खप्पर भट्टे ही लौटूंगा और वो खिचड़ी पकाकर भोग लगाऊंगा। महायोगी की साधना इच्छा के कारण उनका खप्पर भरा ही नहीं और भ्रमण करते करते वर्तमान गोरखपुर की स्थिति में तपस्थली पर पहुँचे और साधनालीन हो गए और ना अपना खप्पर भरा ना ही उन्हें वे वापस ज्वाला देवी स्थान पर लौटे। लोकमान्यता अनुसार आज भी नाथपंथ के अनुयायी महायोगी गोरखनाथ के भक्त अपने खप्पर में उन्हें खिचड़ी चढ़ाते हैं। इसी लोकमान्यता से उत्तर भारत में श्री गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी पर्व का प्रमुख केंद्र है। मकर संक्रांति के पूर्व के दिन देश विदेश के नाथपंथी एवं अनुयायी महायोगी गोरखनाथ की खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरख मंदिर आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल के लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति पर्व पर अपने आराध्य महायोगी की खिचड़ी चढ़ाते हैं। श्री गोरखनाथ मंदिर की मान्यता अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पहली खिचड़ी पीठाधीश्वर ने आज चढ़ाई है और अब भक्तों का हुजूम खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के विशेष आवरण का विमोचन भी किया जा रहा है। धन्यवाद। सभी आप लोग आइए, सभी लोगों को दे दे और लोगों को नहीं सर आ जा चले विशेष आवरण है। अब स्पेशल कवर जी, ये स्पेशल कवर है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर सूचना की जो डिजिटल डायरी है उसका उद्घाटन भी। बताना चाहूंगा, मैंने ये डायरी अब है, ये ऐप के रूप में उपलब्ध है। इसमें आप किसी का भी नंबर, जैसे मान लीजिए आप ही का नंबर तलाशना है तो इसमें सर्च ऑप्शन रहता है, तो ये जैसे पूरा आ गया सर, ये पूरे सभी जैसे विभाग, विधान परिषद, विधानसभा, ये सारा आ गया सर। मंत्रिमंडल के जैसे माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण पे ये आपका पूरा, इसमें मैंने भी देखा, इसमें ईमेल नहीं है, वो भी हम डालेंगे सर, ताकि ये इसमें कभी भी कोई भी मतलब जैसे डायरी में होता था पेज पलटते रहना पड़ता था खोजने के लिए, इसमें बस आप नाम डालिए वो या पद डालिए और वो तुरंत आ जाएगा। इससे बहुत सुविधा हो जाएगी और जो आम नागरिक है वो तुरंत ऐप डाउनलोड करके अपना पता कर सकता है। इसमें केंद्रीय मंत्री मंडल का भी हमारा रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों है और ये अभी हिंदी में, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का सारे जिले के भी नंबर्स हैं। अच्छा, सर्चिंग ऑप्शन है या किसी के नाम से ये आपका नाम जैसे सर्च करेंगे किसी का भी तो आ जाएगा, पूरा विवरण आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, एड्रेस समेत सब आ जाएगा।
ये अभी सर ये एंड्रॉयड फोन पे आज है अवेलेबल, जैसे मैंने अभी मृत्युंजय जिनसे कहा था इन्होंने डाउनलोड कर लिया, तो ये अब ये iOS पे भी हो जाएगा तो iPhone पे भी आ जाएगा। 24-48 घंटे के अंदर आपने जैसे भी लॉन्च किया ये उसमें आ जाएगा तो iPhone पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोग इसमें एक काम हो गया, इसमें ये भी किया मैंने कि इसमें रजिस्टर होने के लिए आपको अपनी ईमेल एड्रेस देनी पड़ती है, उस माध्यम से हम लोगों की ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट कर लेंगे ताकि हम उनको कम्युनिकेशन कल को भेज सके सरकार के कार्यक्रमों के बारे में अपडेट, हम उनको फिर अब खुद से भेजना शुरू कर देंगे, ये हमारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। मैं अनुरोध करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आशीर्वचन के रूप में मकर संक्रांति के इस अवसर पर स्पेशल कवर के विमोचन और उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना डायरी के डिजिटल फॉर्म के लोकार्पण कार्यक्रम क्या इसके समारोह में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे संतगण श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, सपा बाबा महंत संतोष दास जी महाराज, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री रमेश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पोस्ट मास्टर जनरल सरदार सिंह जी, भारतीय डाक सेवा से जुड़े गए सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी को मकर संक्रांति के हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा बाल विभाग को कि उन्होंने एक स्पेशल कवर आज वाहेगुरु गुरु गोवर्धनाथ जी की इस पावन तपस्थली पर आयोजित होने वाले कृषि मेले का जारी किया है। यानी गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब बाल विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है और उसमें जब भी किसी को अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई खबर चाहिए और वह पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित बात खबर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो उस खबर की आवश्यकता है तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। मैंने इसको लॉन्च होते समय देखा है कि उसमें जो डाक टिकट भी लगाया गया है, आपको याद होगा 2016 में जब यहां पर ब्रह्मदिन पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डाक टिकट जो जारी किया गया था उस डाक टिकट को ही उस स्पेशल कवर में लगाया भी गया है। वो 5 रुपए का डाक टिकट था और डाक टिकट काफी अच्छे ढंग से लोगों ने उस समय कवर किया था। ये एक अवसर है
जब हमको अपनी विरासत और अपनी परंपरा की स्मृतियों को बहुत समृद्धतम तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और डाक विभाग में देश के अंदर विशिष्ट घटनाओं को, पर्वों को, कार्यक्रमों को इस प्रचलन का हिस्सा बनाया है। लोगों को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और आम जनता को से प्रचारित प्रसारित करने का एक अवसर दिया है। लोगों को भी डाक सेवाओं के साथ जुड़ने का जो एक अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए डाक सेवा गोरखपुर की पीएनजी और पूरी डाक सेवा से जुड़े कर्मी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहां पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं कि जिस अब तक की जो डायरी होती थी यह हमारे पास हार्ड कॉपी में यानी पुस्तक के आकार में आती थी। कितना कागज इसमें बनता था और कागज लगने के साथ ही कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता था, क्योंकि हरेक तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, नहीं पहुंच पाता था, तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। और इस स्थितियों से बचने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हम लोग यह जो युग है अब हम लोग प्रयोग कर चुके हैं डिजिटल युग में, हर एक चीज अपने डिजिटल फॉर्म में आ रही है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल फॉर्म में सूचना विभाग की डायरी भी आए, जिससे कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन की कार्य पद्धति और उससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी भी रख सकता है, उनसे संवाद भी बनाए रख सकता है। अब आपको ऐसी डायरी लेना नहीं हो सकता नहीं, आपका स्मार्टफोन ही आपकी सारी सूचनाओं का आधार बन जाएगा। और एक अच्छा प्रयास डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी का आना, कि जहां मीडिया कर्मियों को, जनप्रतिनिधियों को, विभागीय अधिकारियों को और शासन से जुड़े हुए विभिन्न तबके के लोगों के लिए एक नई सहूलियत प्रदान करने वाला कार्य हुआ है, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं सूचना विभाग को कि हमने एक अच्छा कार्य डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को आज यहां पर एक साथ मकर संक्रांति के अवसर पर लॉन्च किया है। ये इस बात को भी साबित करता है कि हम अब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए युग में प्रवेश, आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा उपयोग हो सकता है हमारे जीवन को सहज सरल बनाने में और लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने में। पिछले 10 महीनों से देश और पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना कालखंड में कितनी कठिनाई थी लोगों के सामने, किस किस प्रकार की परेशानियां आई थी, हरेक पत्ता परेशान था। और उन स्थितियों में आप देखिए 135 करोड़ लोगों के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से देश को उभारने लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत आने वाली तमाम प्रकार की विषमताओं से देश को कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी पर पहले दिन से ध्यान दिया था उसका परिणाम रहा कि धीरे धीरे करके देश का हर व्यक्ति उससे लाभान्वित होता हुआ गया। हर एक योजना का लाभ, जैसे जनधन अकाउंट जब खोले गए थे 2014 में खोले जा रहे थे, लोगों को लगता था तमाम प्रकार की टिप्पणियां होती थी और मान करिए जनधन अकाउंट नहीं होते तो हर गरीब महिला के खाते में लॉकडाउन के दौरान सीधे धनराशि नहीं भेजी जा सकती थी और धनराशि अगर नहीं जाती तो व्यक्ति क्या करता जब कमाई के सब साधन बंद हो गए।
कि दूरदर्शिता थी और शासन से योजना उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सबसे अच्छा माध्यम जनधन अकाउंट खुला था, बीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जाता। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2,35,00,000 किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा को था हम भेजकर दूसरे महीने हम भेज रहे थे। एडवांस में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि उनके अकाउंट में, लाभार्थियों के अकाउंट में हम लोग दे रहे थे, क्योंकि सबके अकाउंट हमारे पास थे। या स्कॉलरशिप है, ये पैसा भी हम समय पे उनके अकाउंट में भेज रहे थे, क्योंकि हमारे पास तकनीक भी थी, हमारे पास उन सबके अकाउंट भी थे और साथ साथ शासन की योजनाओं को उनके साथ जोड़ने। 54,00,000 प्रवासी कामगार और मजदूर जिनके जिन्हें हमने एक निश्चित मानदेय इस दौरान दिया, बेरोजगारी के दौरान जब वे लोग गुजरा भत्ता उनकी आवश्यकता उनको थी उस समय उनके सामान्य जीवन के गुजारा के लिए उन्हें हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई टेक्नोलॉजी के कारण, और वो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में भी व्यापक परिवर्तन ला सकती है, सुधार ला सकती है, और सुधार के ही क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब ने यहां पर एक डिजिटल डायरी को रूप में दिया है जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। अभी आवश्यक नहीं कि ये केवल शासन से जुड़े हुए मंत्रियों के पास या अधिकारियों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास ही रहेगी, एक कॉमनवेल्थ भी इसका लाभ ले सकता है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता भी ले सकती है, देश की 135 करोड़ की जनता भी इसका लाभ ले सकती है, और जिससे कागज इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ, जो भी कागज बनाते समय जो कार्य हुए होंगे उस समय भले ही वो किया गया होगा लेकिन शेष उसकी बचत अलग से, लेकिन सुविधा ज्यादा है और हर एक तक पहुंच भी हो गई है। अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे डायरी नहीं मिली, हम उसको कह सकते हैं भाई ऐप फॉर्म में है आप इसको लीजिए, डिजिटली उसमें है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये सभी चीजें उसके साथ जोड़ सकती हैं। तो हमें तकनीक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि आज जब मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी को अपने आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हुआ हम लोग उस स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का एक महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की जो कार्रवाई हो रही है मुझे लगता है कि हम सबको अपने पाले का इंतजार करते हुए पूरे धैर्य और पूरी सहनशीलता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं भारतीय डाक विभाग को, जिन्होंने आज मकर संक्रांति यानी खिचड़ी मेले पर स्पेशल कवर जारी किया है उन्हें, और उत्तर प्रदेश सूचना विभाग को इस उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को डिजिटल फॉर्म में लॉन्च करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा आपका निर्देश, ये हमारी जो डिजिटल डायरी है ये हर तरह से ये फ्री ऐप है, कोई भी डाउनलोड करेगा इसको हम प्रचार प्रसार कराएंगे ताकि हर आदमी तक पहुंचे, और एक सरकार से जुड़ने का भी एक ये माध्यम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस हमारी ऐप के माध्यम से। और आपने जो आज समय दिया, आपने आप ही का ये निर्देशन था कि इस बार डायरी डिजिटल फॉर्म में आनी चाहिए, तभी ये आगे प्रक्रिया हुई है और आपके आशीर्वाद से आज ये लॉन्च भी हो गई है। तो आपने जो अपना समय बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं सूचना विभाग की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की ओर से,